बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे यूट्यूब चैनल चमन अब्बास भट्टी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं चमन अब्बास भट्टी। मैं आज एक आटा चक्की के ऊपर मौजूद हूं और आज हम इस भाई से, आटा चक्की वाले से मालूमात लेते हैं कि ये कारोबार कम अज़ कम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है और इसके लिए ज़रूरी चीज़ें आटा चक्की, गंदम सफाई की मशीन, धान वाली मशीन ये और बिजली की मोटर, ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं और इनकी प्राइसेस क्या हैं और इसमें कितनी महाना इनकम होती है, इसके लिए हम मिलते हैं आटा चक्की वाले भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान। अच्छा सर, आप अपना तारुफ करवा दें। जी फियाज अहमद, वापटा चौक से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप ये आटा चक्की का काम कितने अरसा से कर रहे हैं? माशाल्लाह 4 साल से कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये आप ना हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए ना ये बता दें कि ये कारोबार कम से कम कितने पैसों से शुरू किया जा सकता है? भाई जान, ये पहली बात तो ये है कि इस कारोबार के लिए ना मेन चीज है बिजली। जी जी। आप अगर बिजली पे करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, अगर जनरेटर पे करना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक होगा। अगर बेस्ट रहेगा तो वो बिजली पे रहेगा। ठीक है। अगर बिजली पे करना है तो वो बेस्ट है, इनकम भी माशाल्लाह सही है और जो इसका पिसाई वगैरह है वो माशाल्लाह बेहतरीन है। अच्छा सर, ये बिजली का ट्रांसफार्मर कितने केवीए का होना चाहिए? कम से कम 25 केवीए का होना चाहिए। ये 25 केवीए का ट्रांसफार्मर कितनी अमाउंट में लग जाएगा? जी सर जी, इसकी अमाउंट 3 से 3.5 लाख रुपए का लग जाएगा। अच्छा ठीक होगा। अच्छा सर, अब आप हमें बताएं ये चक्की के मुतालिक कि इसका साइज क्या है? ये सर 55 की चक्की है। अच्छा, ये आटा पिसाई के लिए? जी बिल्कुल। और ये जो आपके साथ पीछे लगी हुई है ये? जी सर, ये इसका दलिया बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये कौन से नंबर की है? ये 45 नंबर की है। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 55 नंबर की चक्की थोड़ी बड़ी है और 45 नंबर की जो चक्की है वो ज़रा छोटी है। अच्छा सर, आप इसके ऊपर मोटर कितने नंबर की चला रहे हैं, कितने हॉर्स पावर की है? जो चल रही है वो 25 हॉर्स पावर की है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं 25 हॉर्स पावर की मोटर कितने की मिलेगी और कहां से मिलेगी? सर जी, पहली बात तो है कि ये आप लें फैसलाबाद से लें तो वो बेस्ट है। ठीक है। तो इसकी मेन मार्केट फैसलाबाद बाईपास पे है। ठीक है। तो अगर मुल्तान शहर से भी लेना चाहें तो मुल्तान शहर से भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। ये कम से कम कितने की मिल जाएगी? ये सर जी कम से कम मिल जाएगी आपको 80 से 90 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि इसके चलाने के लिए ये जो स्टार्टर पैनल सामने लगा हुआ है ये कितने का मिल जाता है? सर जी, ये 20 से 25 हज़ार रुपये का है। अच्छा सही हो गया। अच्छा सर, और दूसरा ये जो चक्की है और ये गंदम सफाई की मशीन आपकी लगी हुई है ये कितने पैसों की मिलेंगी और कहाँ से मिलेंगी? सर जी, ये आपको मुल्तान शरीफ से भी मिल जाएंगी। ठीक है। चौक शाहबाद से। ठीक है। अगर वहाँ से लेना चाहें तो ठीक है, वरना इसकी मेन मार्केट है उकाड़ा। ठीक हो गया। वहाँ से ले सकते हैं आप, वहाँ पे इसका मेन मरकज है। ठीक ठीक। अच्छा ए, आप हमें ये बताएं कि ये जो आपकी चक्की है ये कितने चक्कर ले रही है? सर जी, ये 4500 चक्कर ले रही है। अच्छा, इसके चक्की की पुली कितने इंच की लगी हुई है? 5 इंच की। अच्छा, और जो आपकी मोटर है उसके ऊपर कितने इंच की पुली है? 14 इंच की लगी हुई है। सही है, यानी कि इस तरह से आपकी चक्की 4200 चक्कर पूरे कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी जो चक्की है 1 घंटे में कितनी गंदम पिसाई करती है? सर जी, ये माशाल्लाह 12 से 13 मन पिसाई होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया फियाज साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।